Hello everyone and welcome back to AD Technovation and I am Amit. और आज के इस यूजफुल वीडियो में हम बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूं प्रोसेस ब्लॉगर पर अपना फ्री ब्लॉग बनाने की. अगर कुछ साधारण शब्दों में मैं बात करूं तो फ्री वेबसाइट बनाने की प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं. कैसे आप अपनी फ्री वेबसाइट बना सकते हैं या फ्री ब्लॉग जिसे कहा जाता है, जो लोग ब्लॉगिंग के बारे में सुनते हैं और अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं फ्री, वो इस वीडियो को जरूर देखें. सिर्फ बेसिक प्रोसेस बता रहा हूं आज मैं आप लोगों को कि कैसे आप ब्लॉगर पर, जो कि गूगल का ही सर्विस है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फ्री ब्लॉग अपना बना सकते हैं, जिसे कई लोग वेबसाइट के नाम से भी समझते हैं. तो फ्री वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही प्रोसीजर आप अपनाएं तो आप इसका फायदा ले सकते हैं. ठीक है, मैं बहुत ही बेसिक पर बात कर रहा हूं जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं. ठीक है, तो समझ में आ गई बात. वो बेसिक सिस्टम मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप. तो इस पहले वीडियो में हम आज जो ब्लॉगर के बारे में बात कर रहे हैं उसमें हम केवल ब्लॉगर पर आपकी फ्री वेबसाइट कैसे बनाते हैं या ब्लॉग कैसे बनाते हैं वो आपको बताऊंगा. ठीक है, आगे आने वाले समय में मैं आगे भी इसके इंटरेस्टिंग चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें, कैसे काम करें, कैसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, वो सब शेयर करने वाला हूं. तो अभी अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल बटन जरूर दबाइएगा जिससे आगे के जो वीडियोज हों, ट्यूटोरियल्स, वो आपको मिलते रहे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि ब्लॉगर के बारे में सब लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने कुछ ज्यादा सुना होगा, कुछ ने बिल्कुल नहीं सुना होगा. तो ब्लॉगर, हर कोई ब्लॉगिंग के बारे में बात करता है कि ब्लॉगिंग से हम सबसे ज्यादा कमा सकते हैं और ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं, ये एक सबसे टॉप तरीका है ब्लॉगिंग. ठीक है, कुछ लोग वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी सिंपल वर्ड में आंसर ये है कि आप यहां से वेबसाइट बना सकते हो अपनी, पर मैं ब्लॉगिंग की बात कर रहा हूं तो उस चीज को लेकर चलेंगे. तो यहां ब्लॉगर पर आना है, blogger.com आप सर्च करेंगे, ये बिल्कुल फेमस है तो तुरंत मिल जाएगा और डायरेक्टली आप जा सकते हैं. इस तरह का 2020 में इस तरह का प्रोसेस चल रहा है. ठीक है, इस तरह का दिखाई दे रहा है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत इसका लुक. तो अभी 2020 में हम इस तरह से बात कर रहे हैं, आगे भी ये काफी टाइम तक चलेगा. तो आप इसको बाद में भी देख रहे हो किसी भी टाइम पर तो आपको हेल्प करेगा. ठीक है, अब यहां पर आ गए आप. सिंपल सा तरीका है अपना ब्लॉग बनाने के लिए, यहाँ क्रिएट योर ब्लॉग एक सिंपल सा टैब दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है. ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको अपना जो गूगल का अकाउंट है, मतलब गूगल का ईमेल और जो पासवर्ड है उसके साथ आपको लॉगिन करना होगा. घबराने की जरूरत नहीं है, जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, ये गूगल की ही है ब्लॉगर, तो यहाँ पर आप अपना इत्मीनान से डाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, एक्सेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना साइन इन कर लेते हैं आप आगे पहुंचेंगे. मैं आपको आगे के प्रोसीजर के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ. ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें आगे साइन इन कर जाते हैं तो आपके सामने यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले आपको नीचे की तरफ क्रिएट ब्लॉग का ऑप्शन दिखाई देगा. लेट मी शो यू जस्ट दिस मिनट. सो इस तरह का देखिए ये ऑप्शन दिखाई देगा, क्रिएट योर ब्लॉग, देख सकते हैं यहाँ पर, जब आप सीधा अकाउंट लॉग इन करके पहुंचते हैं इसके अंदर. तो इस पर आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू ब्लॉग पर. और जैसे ही आप क्रिएट न्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, देखिए यहाँ पर. और ऊपर आपको डालना होगा टाइटल, जैसे मैंने एक टाइटल डाल दिया है. और नीचे आपको अपना एड्रेस में, जो आप वेबसाइट का एड्रेस रखना चाहते हैं या अपने ब्लॉग का, वो नाम देना है. यहाँ पर जरूरी नहीं है आप जो नाम दें वो आपको मिल जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम सर्च किया तो मुझे एक बार में जो मैंने ब्लॉग का नाम रखा है यहाँ पर एडी न्यूज, वो नहीं मिला. तो आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं. और जैसे ही ये बता देता है यहाँ पर कि ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल है तो उस नाम के साथ ही आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो तब तक ये मांगता रहेगा आपसे सही एड्रेस. ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको कुछ नाम में चेंज किया और मुझे इसने बता दिया कि ये एड्रेस अवेलेबल है, मैं इसके बाद इसमें आगे बढ़ सकता हूँ. ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेंजेस आपके सामने ही दिखा रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिकली समझें. तो इस तरह से मैं चेंजेस कर रहा हूँ, ये अवेलेबल है, देखिए ये वाला एड्रेस अवेलेबल है. तो मैंने इसको यहाँ पर क्रिएट ब्लॉग के बटन पर क्लिक कर दिया. यहाँ पर नीचे आपको कुछ थीम दिखाई दे रही हैं. थीम का मतलब है कि आपकी जो ब्लॉग है या वेबसाइट है जो आपकी, वो किस तरह की दिखाई देगी. तो यहाँ से आप चुन सकते हैं आपकी पसंदीदा जो भी थीम है और उसी लुक में आपकी वेबसाइट दिखाई दे, उसी तरह का वो दिखाई देगा, है ना, जैसे हम कोई वेबसाइट को विजिट करते हैं. तो नीचे से आप चुन सकते हैं अपने पसंद के अनुसार और फिर क्रिएट ब्लॉग के बटन पर क्लिक कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये इस तरह से आपसे पूछ भी सकता है कि आप कस्टम डोमेन लेना चाहते हैं तो आप नो थैंक्स कर दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि अभी आपको डोमेन नहीं लेना है, वो मैं बाद में बताऊंगा क्या है. तो इस तरह से भैया आपका एक ब्लॉग यहाँ पर तैयार हो गया है, बिल्कुल आपका सिंपल तरीका है, ये बन गया है आपका ब्लॉग.
इतना सिंपल तरीका है इसका। तो 2020 में भी ये उतना ही सिंपल है जितना पहले था, आज भी उतना ही सिंपल है। जो लोग नए देख रहे हों वो यहाँ समझ लें। अब यहाँ पर देख सकते हैं साइड में जो भी चीज़ें दी गई हैं स्टेट्स में, आपके कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने कमेंट हैं, कितनी अर्निंग है, लेआउट है, बहुत सारी चीज़ें हैं अर्निंग में। ये गूगल एडसेंस वो मैं बाद में बताऊँगा, जब आप यहाँ से अप्लाई कर देते हैं गूगल एडसेंस आपका अप्रूव कर देता है तो अर्निंग होना यहाँ से शुरू हो जाती है एड्स के माध्यम से। ठीक है, वो बाद में होगा, वो उस चीज पर अभी ध्यान नहीं देना है। तो ये लेआउट दिखाई दे रहा है, देखिए आपका इस तरह का ब्लॉग दिखाई देगा, जैसे मैंने एडी न्यूज नाम रखा है तो इस तरह का ब्लॉग ये दिखाई दे रहा है, और इस तरह से यहाँ थीम दिखाई दे रही है। तो आप जिस थीम को अप्लाई करेंगे उस रंग में उस तरह की स्टाइल में ये बन जाएगा आपका ब्लॉग, जितना आप चुनना चाहते हैं। देख सकते हैं बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं, पर इसकी भी प्रोसीजर है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको इसीलिए बेसिक बता रहा हूं कि किस तरह से आप एक सिंपल प्रोसेस से सबसे पहले अपना ब्लॉगर पर अकाउंट बना लें, सॉरी ब्लॉगर पर ब्लॉग बना लें और या वेबसाइट बना लें। और इस तरह से देखिए मैं ओपन करके भी दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरह से नाम के साथ आपका ब्लॉग दिखाई देगा। अभी चूंकि मैंने यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं किया है तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और साइड में अबाउट मी है तो उसके बारे में आपके बारे में जानकारी रहेगी और आपकी पोस्ट दिखाई देंगी जब आप करेंगे यहाँ पर। अब ये सब तो ठीक है, अब सिंपल सबसे पहली चीज कि मैं यहाँ पर आपको पोस्ट बता देता हूँ। तो पोस्ट के लिए आप पोस्ट पर जाना होगा। ठीक है, पोस्ट पर जैसे मैंने आपको बता दूं यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर पोस्ट दी हुई, तो पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो न्यू पोस्ट पर जाना है आपको, देख सकते हैं यहाँ पर। और न्यू पोस्ट पर आप जैसे ही जाएंगे इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने खोलेगा, देखिए बिल्कुल नोटपैड जैसा दिखता है ये, वर्ड पर आपने काम किया होगा। तो यहाँ वो सारी चीजें हैं जहां पर, चूंकि आपको यहाँ पर आर्टिकल्स लिखने हैं, है ना, और वो सब उसी तरह का पूरी फॉर्मेटिंग है, बोल्ड, इटैलिक, इमेज सेट कर सकते हैं, सारी चीजें जो आपने शायद माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में की हूं तो कोई भी कर सकता है इसको, मुझे लगता है इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है और इसमें कोई खास परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर अब मैं आगे प्रोसीजर बताता हूं। देखिए मैं जैसे टाइटल लिख रहा हूं यहां पर, ऊपर आपको जो भी पोस्ट है उसका टाइटल डालना है, मतलब आप किस चीज के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं। तो मैंने न्यूज फॉर स्पोर्ट एग्जाम्पल के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं, तो इस तरह से कर दिया। यहां पर इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, देखें यहां पर इमेज का टैब दिया हुआ है, ये देखें यहां पर इस जगह पर आपको इमेज से क्लिक करना है और अपने कंप्यूटर, मोबाइल, क्योंकि मोबाइल से भी आप इसको चला सकते हैं, मोबाइल से भी काम कर सकते हैं, तो मोबाइल या कंप्यूटर जहां से भी आप इमेज लेना चाहते हैं, कॉपीराइट फ्री लेना है, ध्यान रखिएगा फ्री जो इमेजेस होती हैं, अभी मैंने कोई सी भी ले लिया यहाँ पर, और इस तरह से आपकी इमेज आ जाएगी, क्योंकि पिक्चर के साथ में न्यूज़ लिखने में ज़्यादा अच्छा रहता है या इन्फॉर्मेशन देने में, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर आप बस कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, उसको फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, जितना अच्छा आर्टिकल लिखेंगे वो उतना अच्छा लगेगा और यहाँ पर डिस्प्ले दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको एक तरीका बताया है। यहाँ पब्लिश कर सकते हैं, जब आप अपना आर्टिकल लिख लें सेव कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं और यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं, और पब्लिश के बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपके जो ब्लॉग है या वेबसाइट आप जैसे कह सकते हैं उस पर आपका ये आर्टिकल दिखाई देगा बिल्कुल जैसा आपने यहाँ पर फॉर्मेटिंग की है। तो इस तरह से आप आर्टिकल लिखते जाते हैं, और फिर जब आप यहाँ पर कुछ अच्छे खासे आर्टिकल लिख लेते हैं, पहले बहुत अच्छी क्वालिटी के, अच्छे कंटेंट के साथ में, इमेजेस के साथ में, सेटिंग के साथ में एक बेहतर आपका ब्लॉग तैयार कीजिए, क्योंकि जो अच्छा लगेगा वही देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी गूगल, जब आप अच्छे आर्टिकल लिख लेते हैं कुछ व्यूज आ जाते हैं, उसके बाद कुछ अच्छे आर्टिकल लिखने के बाद यहाँ पर आप गूगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एडसेंस के लिए, और आप यहाँ पर फिर एड्स आना शुरू होते हैं, फिर रनिंग होती है। तो ये तो बात की बात है, जैसे मैंने देखी यहाँ प्रोफाइल अलग अलग टाइप से आपको दिखाई दे रही है, तो आप कैसे भी यहाँ पर थीम को बदल सकते हैं, अपने ब्लॉग को सुंदर बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, जिससे अच्छा लगे। आप जिस तरह से अपने दूसरों की वेबसाइट्स पर जाते हैं, ब्लॉग पर जाते हैं, आपको जो पढ़ना अच्छा लगता है, जिस तरह का दिखता है, वैसे आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। अब अभी आप इस चीज़ में ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, सिंपल आज के इस वीडियो में मैंने आपको ब्लॉग की बेसिक चीज़ बताई है, कैसे बनाएंगे, कैसे आर्टिकल लिखेंगे, इसमें बहुत कुछ होता है, तो धीरे धीरे मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको समझाता जाऊँगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप, टाइम टू टाइम मैं समझाऊंगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में मैं टाइम टू टाइम इसके ट्यूटोरियल्स आपसे शेयर करूंगा, जिससे आप अपने एक ब्लॉग अच्छा बना सकें, उसको अर्निंग करने के हिसाब से बेहतर बना सकें, और कैसे वर्डप्रेस पर हम शिफ्ट करते हैं या कैसे अच्छी थीम लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इसमें, ऐसे ही अर्निंग बेस्ट नहीं होती, बट हाँ, पर ये एक बेसिक तरीका है, और बिल्कुल आप फ्री में यहाँ पर ब्लॉग बना सकते हैं, और फ्री में जब आपका ब्लॉग अच्छे से काम करता है तो गूगल से आप कमा सकते हैं डॉलर्स में। सो ये सब
सब अगर आपको नहीं पता है तो ये एक बेसिक बात बताई है, इसमें काफी कुछ है जो आगे आने वाले वीडियोस में आपसे मैं जरूर जरूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल आई होप आपको ये वीडियो सिंपल लैंग्वेज में हेल्प करेगा, जो बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं। इस तरह से अपना ब्लॉग बनाइए, आर्टिकल्स लिखिए, एक्सपीरियंस कीजिए पहले, है ना। ये नहीं सोचना है कि हम कल से ही कमाना शुरू कर दें, एक बनाकर देखिए। अपने खुद का जो काम करने का एक मजा है वो आपको समझ में आएगा, कैसे मैं आर्टिकल लिख रहा हूं, मेरी खुद की वेबसाइट दिख रही है, ब्लॉग दिख रहा है। सो इट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग, आपको अपने आप में एक अच्छा फील देगा। देन अर्निंग तो बाद में होने की पॉसिबिलिटी बनी जाती है जब आप अच्छा काम करते हैं। तो आई होप इट विल हेल्प यू, एंड इसी उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो को एंड कर रहा हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, मेरा सजेशन है, ताकि आने वाले वैल्यूएबल कंटेंट को आप मिस ना करें। सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू वेरी मच।